नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक खास चीज़ लेकर के आए हैं, जो अर्चना तोमर जी से जानेंगे कि गोबर से कौन कौन सा प्रोडक्ट ये बना करके सेल कर रही हैं और क्या क्या बनाने वाली हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अर्चना जी से जानते हैं कि इस गोबर से कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है तैयार कर रही हैं और इसको कैसे जो है मार्केट में सेल करेंगी। तो नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। गोबर से हमने दिए बनाने शुरू किए हैं, अभी हमारा पहला ही स्टार्टिंग ही है, शुरुआत की है, कोशिश कर रहे हैं कुछ आगे अपने को बढ़ाने का। तो उसके लिए जैसे हमने दिए बनाए हैं, छोटे छोटे शुभ लाभ हैं, उनके ऊपर कलर करके बनाया है कि दिवाली में लोग बाग अपने घरों में यूज़ करते हैं। और श्री है, ओम है, एक जैसे हमने बनाया है गिफ्ट पैक करने के लिए शीट बनती है। तो ये कैसे बना है मैम? इसको पेपर के ऊपर हमने गोबर का एक लेयर की है, लेप करके उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट, ऐसे लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट से उससे करके तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग डिजाइन में है। ये गिफ्ट पैक है सारा मैम? हाँ जी, हाँ जी, गिफ्ट पैक करने के लिए पन्नी इस्तेमाल जो होती थी वो ना होकर के पेपर हो, उस पेपर को थोड़ा हम अपना स्वदेशी से जोड़ रहे हैं कि अपने गोबर को इस्तेमाल कर सकें। तो इसको मैम आप कैसे जो है बनाती हैं, कैसे गोबर से, कैसे मैंने गीला गोबर चाहिए कि ड्राई गोबर चाहिए? और ड्राई चाहिए तो इसमें कोई केमिकल मिलाया जाता होगा, क्योंकि इस तरह तो जी जी बनेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें होती हैं कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स करके जी, उसको चाहे आप ड्राई में मिला के कर लीजिए, चाहे उसको सुखा के पाउडर बना के, उससे हो जाएगा। लेकिन गीला तो उसे करना ही पड़ेगा बनाने के लिए भी, तो गीला करके फिर वो मशीन है, मशीन से मोल्ड में करके सांचे से उससे हमारी ये तैयार होता है जी। ये है, इसके ऊपर अंदर हम गोबर डालेंगे और ऊपर वाला मोल्ड। मैम आप जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है तैयार की है और कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है तैयार करने वाले हैं आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले समय में अभी तो जैसे हमने शुरुआत की है, छोटी छोटी चीज़ें बना के देखी हैं, फिर आगे अब करते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी थोड़ी गणेश, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, लक्ष्मी चरण, इस तरीके के फ्रेम बनाएंगे छोटे छोटे वो भी। फिर उसके बाद आगे गोबर से ईंटें भी हैं, उस पर भी सोचेंगे, करेंगे उसको भी आगे। जैसे रास्ते चल होते जाएगा, जैसे मार्केट होता जाएगा, उस तरीके से अपने और करेंगे आगे आगे। आप जो है घी भी मतलब सेल करती हैं, उसको कैसे मतलब बनाती हैं, क्या मतलब पहले जो है देसी तरीके से बनाया जाता था जी, तो क्या आप उस तरीके से बनाती हैं और कैसे सेल करती हैं और कितना रुपीस जो है केजी जो है सेल करती है और कहां कहां तक सेल करती हैं? जी, घी हमारा वही वैदिक बिलोना है, उससे बनता है जी। दूध को गर्म करके, उसको ठंडा करके, दही जमा के, बिलो करके हाथ की मशीन से, उससे जो घी बनता है वो वाला घी हमारे यहाँ तैयार किया जाता है। फिर वो घी हमारा बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्यों हमारे घी की जो भी एक बार जिसने टेस्ट किया है वो बार बार उसको मांग रहा है। घी हमारा बाहर विदेशों तक भी जा रहा है, जो हमारा घी की डिमांड है बहुत अच्छी चल रही है। 3,000 रुपये लीटर हमारा दूध घी जा रहा है। तो कैसे आप भेजती हैं मैम कस्टमर के पास? मान लीजिए क्योंकि बिहार में अगर कोई गिर गाय का जो है घी लेना चाहता है, साहिवाल गाय का घी लेना चाहता है, तो बिहार के लोग कैसे आपसे प्राप्त कर सकते हैं? फ़ोन के द्वारा, वो फ़ोन से हमसे बात कर सकते हैं और उनको हम अपना अकाउंट नंबर बता देते हैं, उधर से पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पैसा एडवांस देना पड़ेगा? हाँ जी, पैसा एडवांस देना होगा और इधर से हम अपना घी उधर से सेल कर कुरियर करवा देते हैं।